एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह रोजाना मिट्टी के गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी। रोज मिट्टी का गणेश जी बनाती, रोज गल जाता। एक दिन एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बुढ़िया माई उन मिस्त्री के पास जाकर बोलती है, भाई मेरा पत्थर का गणेश बना दो, मैं मिट्टी का गणेश बनाती हूँ, रोज पूजा करती हूँ, रोज गल जाता है, आप मुझे पत्थर का गणेश बनाकर दे दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चीनेंगे। तब बुढ़िया माई बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो जाए, वो चीने और ढावे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो, हमने नहीं घड़ा। तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी ही नहीं बन रही, बनाते हैं ढाते हैं। सेठ ने बुढ़िया माई को बुलाया। सेठ ने कहा, बुढ़िया माई हम तुम्हें सोने का गणेश घड़ कर देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। तब सेठ ने बुढ़िया माई को सोने का गणेश घड़ कर दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ की दीवार सीधी की, बुढ़िया माई की लाज रखी, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले, आपकी पूजा पाठ करने वाले सब पर अपनी मनोकृपा बनाए रखना, सबकी मनोकामना पूरी करना। तो बोलो, गणेश जी महाराज की जय हो।